तो बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस किए थे? हम लोग डिस्कस किए थे टोटो मैनेजमेंट में भी उसमें क्या देखे थे, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। लास्ट के दो पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्या था भाई? अगर साइक्लिक है, टॉटोमर्स बनने के बाद कार्बन sp हाइब्रिडाइज हो जाता है, तो वो पॉसिबल होगा क्या? साइक्लिक कंपाउंड है, टॉटोमर्स बना रहे हो, कार्बन क्या बन गया? sp हाइब्रिडाइज, तो पॉसिबल नहीं होगा, नहीं तो रिंग ब्रेक हो जाएगा। सेकेंड, अगर अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो टॉटोमर्स हो सकता है क्या? नहीं होगा। और थर्ड क्या था बच्चा लोग, कि इनॉल फॉर्म लिस्ट स्टेबल होता है, बट अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग या एरोमेटिक प्रॉपर्टीज आ जाए तो स्टेबिलिटी को वो इनहांस कर देता है इनॉल फॉर्म के। तो ये याद रखना, आज के क्लास हम लोग देखेंगे स्ट्रक्चरल आइसोमेरेज में। तो स्ट्रक्चर हो गया स्टीरियो ना, स्टीरियो आइसोमेरेज में। स्टीरियो आइसोमेरिज्म तो क्या होता है बच्चा? स्टीरियो आइसोमेरिज्म में तो कंपाउंड सेम रहेगा भाई, आईपीक नेम और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो नोट कर लेते हैं, इफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इफ टू और मोर देन टू, ये तो गायब भी कर दे, इफ टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, ओसी कर देता हूं ऑर्गेनिक कंपाउंड को, ठीक है ना? ऑर्गेनिक कंपाउंड हैज सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, इफ टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड करते हैं, है सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट सॉरी एंड करना अब बट नहीं, एंड सेम आईपीक नेम। अब यहां से बट स्टार्ट होता है, आईपीक नेम, बट द या फिर दे आर डिफरेंट या डिफर, दे डिफर ड्यू टू कर लो, दे डिफर ड्यू टू स्पेशियल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट of element group, element or group is called stereoisomers and phenomena is called stereo आइसोमेरिज्म। इसमें टाइप बता दिए तो बच्चा कौन कौन से टाइप है बताओ, कौन कौन से टाइप डिस्कस किए थे, करने वाले थे बच्चा लोग? नोट्स तो बता दिए थे ना स्टार्टिंग में, फ्लो चार्ट बनाए थे, जियोमेट्रिक, फर्स्ट जियोमेट्रिकल, सेकेंड ऑप्टिकल, थर्ड कन्फॉर्मेशनल, इसका एक और नेम था रोटेशनल भी, रोटेशनल आइसोमेरिज्म, 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 ठीक है बच्चा लोग? तो एक करके डिस्कस करते हैं ज्योमेट्रिकल को पहले। तो ज्योमेट्रिकल को डिस्कस करने से पहले आइसोमेरिज्म, इसको शॉर्ट में जीआई बोलेंगे हम, ठीक है? तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करते हैं बच्चा लोग, देखते हैं। हम लोग बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का।
हाँ तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में समझने से पहले ज्योमेट्रिकल यहाँ पे स्पेशियल अरेंजमेंट कुछ टर्म्स यूज हुआ है, देखो तो स्पेशियल अरेंजमेंट इस टर्म का मतलब समझ रहे हो? 3D एनवायरनमेंट में एटम का लोकेशन चेंज होगा, जैसे कि एग्जांपल अगर मैं बात करूं कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है, ये CH3 H, यहाँ पे CH3 यहाँ पे H, ठीक है बच्चा लोग। एक इसी का स्ट्रक्चर में बना देता हूं डबल बॉन्ड CH3 H, वैसा ही है बट ऊपर CH3 H, तो दोनों का मॉलिक फॉर्मूला C4H8 यही है, देखो तो यही होगा कि नहीं होगा बच्चा? यस सर, मॉलिक फॉर्मूला दोनों का यही है। IUPAC नेम क्या होगा? IUPAC नेम क्या होगा? दोनों का ब्यूट टू इन, मॉलिक फॉर्मूला सेम है, IUPAC नेम सेम है, लेकिन दोनों अलग दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं बच्चा लोग? यस सर, दोनों हैं अलग अलग। तो मॉलिक फॉर्मूला सेम है, IUPAC नेम भी सेम है, लेकिन अलग क्या है बता सकते हो? इस CH3 के एनवायरनमेंट में कौन कौन से एलिमेंट है? इस साइड हाइड्रोजन, लेकिन उधर का जो CH3 उसके एनवायरनमेंट में कौन सा केमिकल एनवायरनमेंट बोलते हैं इस टर्म को? कौन कौन सा एलिमेंट है और ग्रुप है? दोनों का केमिकल एनवायरनमेंट अलग है ना भाई, CH3 का यहाँ पे है कि नहीं? यस सर। अब मैं CH3 की बात कर सकता हूँ, हाइड्रोजन को भी बोल सकता हूँ, ठीक है ना? किसी का भी पकड़ लो, केमिकल एनवायरनमेंट चेंज हुआ कि नहीं हुआ, इसी को बोलते हैं स्पेशियल अरेंजमेंट। क्या बोलते हैं इसी को? स्पेशियल अरेंजमेंट। पहले हाइड्रोजन हाइड्रोजन था, अब CH3 ऊपर चल गया, तो स्पेशियल अरेंजमेंट दोनों में अलग अलग है। यहाँ पे रोटेशन हो सकता है क्या? स्पेशियल अरेंजमेंट हुआ है लेकिन विदाउट रोटेशन, रोटेशन हो सकता है क्या डबल बॉन्ड है तो? नो सर, नहीं हो सकता। सिंगल बॉन्ड है बच्चा तो आराम से रोटेट हो सकता है, ये सिंगल बॉन्ड है ये रोटेट हो जाएगा, ठीक है ना? लेकिन अगर डबल बॉन्ड की बात करें हम, ये डबल बॉन्ड है तो यहां से हम इसको रोटेट करूंगा तो क्या करेगा, डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा? Yes, हो जाएगा कि नहीं जाएगा बच्चा? Yes. और ट्रिपल बॉन्ड है तो रोटेशन हो सकता है क्या? वहां पे भी नहीं होगा। तो जहां पे रोटेशन नहीं है वहां पे GI पॉसिबल है, होगा एकदम करेक्ट ये नहीं कहोगे, मे बी वाला होगा, मस्ट बी वाला नहीं होगा या शुड बी नहीं होगा। अगर रोटेशन नहीं है तो मे बी GI पॉसिबल है, जैसा कि यहाँ पे है। क्लियर है बच्चा? अरेंजमेंट अलग अलग दिख रहा है, ये अलग कंपाउंड है, ये अलग कंपाउंड है, मतलब यहाँ पे GI है। समझ में आया बच्चा लोग? तो जब ग्रुप सेम साइड होता तब क्या बोलते थे? एक जैसे ग्रुप सेम साइड हो तो सीस, और अलग है तो ट्रांस। तो सीस ट्रांस ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म का पार्ट है, इसका पार्ट है ज्योमेट्रिकल का। तो डेफिनेशन क्या होगा बच्चा? इफ टू और मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला, इफ टू मोर देन टू ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला एंड IUPAC नेम, IUPAC नेम बट दे डिफर ड्यू टू, क्यों डिफर है भाई? डिफर ड्यू टू स्पेशियल अरेंजमेंट, अरेंजमेंट ऑफ एटम्स और ग्रुप विदाउट एनी रोटेशन, दैट मीन्स रोटेशन इज नॉट पॉसिबल और रोटेशन हिंड्रेड, हिंड्रेड मतलब वहां पे रोटेशन नहीं होगा, ठीक है ना?
इज कॉल्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। एंड फिनोमिना क्या कहेंगे बच्चा? एंड फिनोमिना क्या कहलाएगा बताओ? ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म। इज कॉल्ड जी आई, ठीक है? तो नीचे हो गया, देख लेना। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म क्या होगा? इफ टू और मोर देन टू कंपाउंड कंटेन सेम मॉलिक्यूल का फॉर्मूला बट सॉरी एंड आई यू सेम आई पैक नंबर दे डिफर ड्यू टू या डिफरेंट ड्यू टू स्पेशियल अरेंजमेंट किसके कारण विदाउट डबल बॉन्ड सॉरी विदाउट रोटेशन रोटेशन नहीं हुआ मतलब डबल बॉन्ड हो रहा है इसको हम लोग बोलते हैं जी आई जैसा कि ये फर्स्ट एग्जाम्पल सेकेंड एच सी एच बी आर बी आर मॉलिक्यूल का फॉर्मूला सेम होगा इसका एक जो कंपाउंड बना रहा हूँ बी आर एच सॉरी बी आर ऊपर ले जाता हूँ एच तो देखो यहाँ पे दोनों का मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम आई पैक नेम सेम है लेकिन अलग क्या है स्पेशियल अरेंजमेंट को कॉन्फ़िगरेशन टर्म्स भी यूज कर सकता है कॉन्फ़िगरेशनल अरेंजमेंट बोला मतलब कॉन्फ़िगरेशन चेंज मतलब वही है तो यहाँ पे सीज कौन सा होगा फर्स्ट वाला या सेकंड वाला फर्स्ट वाला सीज सेम साइड है और ये क्या होगा ट्रांस थर्ड जरूरी नहीं कि लास्ट वाला ही चेंज हो कोई भी चेंज हो सकता है यहाँ पे एच यहाँ पे स्केल से ऐसा भी हो सकता है तो ये दोनों सेम है क्या दोनों कंपाउंड सेम है क्या मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम है आई पैक नेम सेम है लेकिन दोनों का कॉन्फ़िगरेशन या फिर स्पेशियल अरेंजमेंट दोनों एक जैसा है क्या बच्चा नहीं है अलग है तो यहाँ पे भी क्या होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स मैरिज्म या ये दोनों एक दूसरे क्या होंगे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स अब यहाँ पे सीस ट्रांस नहीं कह सकते यहाँ पे क्या नहीं कह सकते बच्चा लोग सीस या फिर ट्रांस क्यों नहीं कह सकते बच्चा क्योंकि सेम टाइप के ग्रुप तो है नहीं यहाँ पे यूज होता है एजेड नोमेनक्लेचर कुछ दिन पहले देख भी रहे थे बच्चा लोग तो ब्रोमीन वन वन अपोजिट साइड तो इसको बोलेंगे ई और इसको बोलेंगे जेड एल्केन अब ये एजेड क्या होता है इसी चैप्टर में मतलब इसी पार्ट में यहीं पे डिस्कस करने वाले ज्योमेट्रिकल में ही आगे चल के ठीक है ना हमको आता है इसलिए हमने बता दिया ये ए फॉर्म है ये जेड फॉर्म है ठीक है ना बच्चा लोग इसको नोट डाउन कर लो एजेड क्या होता है बाद में पता चल जाएगा एक रूल्स नोट कराएंगे सीआईपी रूल होता है उस रूल्स के अकॉर्डिंग देखेंगे तो नोट डाउन कर लो इसको तो जब भी स्पेशल अरेंजमेंट अलग अलग हुआ और डबल बॉन्ड है मतलब रोटेशन नहीं है तो वहां पे जीआई होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वहां पे फॉर्म हो सकता है ठीक है नोट डाउन कर लो रख कर देना तो बेटा ये दोनों अलग अलग कंपाउंड है लेकिन एक साथ जब आए तो इनको देखा अरे यार ये भी ऐसे दिख रहा है ये भी ऐसे दिख रहा है दोनों का आई पैक नेम है मॉलिक्यूल फॉर्मूला सेम है फिर लोग बोले भाई जुड़वा के जगह पे यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे सीस ट्रांस इन जुड़वा को यहाँ पे क्या बोलेंगे सीस ट्रांस अब ऐसा क्यों है क्यों नहीं है वो डिपेंड करेगा उसके फिजिकल कंडीशन पे या जब ये कंपाउंड बनाया था उस समय रिएक्शन कैसा हो रहा था उस पर डिपेंड करेगा ठीक है ना बच्चा क्लियर है और किसी का कोई डाउट रह गया यहाँ तक अब बात करते हैं बच्चा मैंने एक लाइन बोला स्टार्टिंग में अगर रोटेशन पॉसिबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि ज्योमेट्रिकल होगा वहां पे ज्योमेट्रिकल हो भी सकता और नहीं भी हो सकता तो कंडीशन देखेंगे किस किस कंडीशन में जीआई बनेगा लेकिन उस कंडीशन से पहले ये सब क्लियर है सबको क्लियर है कि क्लियर है मैंने एक और बोला था मैलेइक और फ्यूमेरिक एसिड ये टर्म्स मिलता है बच्चा सी डबल ओ एच सी डबल बॉन्ड
COOH. किसी देश में ये रहता था, किसी देश में इसके जैसे एक और कंपाउंड दिखता था जिसका आईयूपीएसी नेम सेम था. जब वो दोनों एक दूसरे के देश में घूमने गए होंगे तो देखा उन्होंने, अरे यार तू भी मेरे जैसा, मैं भी तेरे जैसा, तो दोनों जुड़वा तो नहीं है. तो जुड़वा नहीं है तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज होता है? सेम साइड में तो सीस, भाई मैं सीस टाइप का हूँ, ट्रांस टाइप का, अलग हूँ, तेरे जैसा नहीं हूँ. ठीक है ना? तो यहाँ पे इनमें से एक फ्यूमेरिक एसिड है और एक मैलेइक एसिड है. एक फ्यूमेरिक एसिड है और एक क्या है? मैलेइक एसिड है. फ्यूमेरिक मैलेइक एसिड, इसको बोलते हैं मैलेइक एसिड और इसे बोलते हैं फ्यूमेरिक. तो याद रखना, फ्यूमेरिक और मैलेइक एसिड एक दूसरे के जी आई है जो मेडिकल आइसोमर्स है. ठीक है, ये नेम है. वैसे प्रोटेनोइक एसिड का फॉर्मूला मालूम है क्या? प्रोटेनोइक मतलब कौन सा ग्रुप रहता है बताओ तो बच्चा लोग. प्रोटोनिक मतलब कौन सा ग्रुप रहता है? बेटा डीपीपी डिस्कस का तो समझ आया था, प्रोटोनिक एंड आइसोप्रोटोनिक. प्रोटोनिक मतलब कौन सा ग्रुप होता है बताओ? सर CH2OH. हाँ, C double bond O, फिर C double OH. ठीक है ना? प्रोटोनिक मतलब कितने कार्बन होंगे? 4. एक बना लेते हैं, ये हाइड्रोजन दूसरे के अपोजिट में है. अब एक बार कंडीशन क्या हो सकता है? हाइड्रोजन सेम साइड हो जाए. ये प्रोटोनिक एसिड है. अगर ये सीस फॉर्म है और ये क्या है? ट्रांस फॉर्म. एक सीस और एक क्या है? ट्रांस. इसको बोलते हैं प्रोटोनिक एसिड और इसको बोलते हैं आइसो प्रोटोनिक एसिड. ये कुछ एग्जांपल हैं, मैलेइक, फ्यूमेरिक. एक मैलिक एसिड भी होता है, ये मैलेइक है. ठीक है ना बच्चा? दोनों अलग अलग चीजें हैं. नोट डाउन करो, एक और नाम याद आ गया, सिनामी. इन्होंने उसे ये फॉर्मूला पूछा था बच्चा, याद आ रहा है? डॉट क्लास में किसी ने इस टाइप का क्वेश्चन का फॉर्मूला पूछा था या कि क्लास में बोला था. इसमें सीस कौन सा है? फर्स्ट वाला सीस ट्रांस. तो एक सीस है बच्चा, एक ट्रांस एसिड, सिनामिक एसिड. ठीक है ना सर? दोनों आपने सेम ही बना दिए. दोनों सेम बना दिए तो ट्रांस में क्या करेंगे? ठीक है, एक सीस और एक क्या है? ट्रांस. तो सीस मतलब सेम साइड, ट्रांस मतलब अपोजिट साइड. सर दूसरे वाले का नाम क्या है? दोनों का नाम वही है, एक सीस सिनामिक है और एक ट्रांस सिनामिक है. ठीक है, जरूरी नहीं है कि दोनों का अलग अलग नाम हमेशा हो. हाँ, लेकिन सीस ट्रांस वर्ड जरूरी नहीं होता है. नोट कर लिया बच्चा लोग? तो अब ये तो हो गया बच्चा लोग यहां तक की बातें. अब कुछ नोट वाली बातें जो क्वेश्चन को सॉल्व करने में हेल्प करेंगी या कॉन्सेप्ट को बिल्ड करेगा जीआई का. तो सबसे पहले जीआई कहां पे पॉसिबल है भाई? ए द
रोटेशन इफ द रोटेशन बिटवीन टू एलिमेंट इज नॉट पॉसिबल देन कंपाउंड मे बी सो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म मे बी ठीक है ना मस्ट भी नहीं है ठीक है बच्चा तो ये मुझे बताओ रोटेशन किसमें होता है सिंगल बॉन्ड में होता है एल्केन में होता है क्या रोटेशन एल्केन में रोटेशन होता है नहीं तो आज जी आई नहीं होगा डबल बॉन्ड में रोटेशन होता है क्या डबल बॉन्ड में रोटेशन होता है क्या नहीं तो सिस्टम फॉर जी आई पहले लाइन से ये स्टेटमेंट से हमको पता चला जी आई का सिस्टम कौन कौन सा हो सकता बच्चा एल्किन क्योंकि एल्किन के बीच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और दो अलग अलग ग्रुप भी होना चाहिए नहीं तो एल्काइन भी होता एल्काइन के बीच रोटेशन हो सकता है क्या इन दोनों के बीच नहीं हो सकता ना लेकिन दोनों पे दो डिफरेंट टाइप के ग्रुप नहीं है क्या मैं इसका ऐसा लिख दूं दोनों अलग हो जाएंगे ये दोनों अलग है कि आइडेंटिकल आइडेंटिकल ये ऐसे था बस इसको घुमा के मैं ऐसे रख दिया हूं ठीक है ना ये के पी साइड था ये घूम के ऐसे हो गया या फिर इसको ऐसे घुमा दिया ठीक है ना ये ऐसे था इसको घुमा दिया ऐसे ये दोनों सेम है तो दो अलग लोकेशन नहीं है यहाँ पे है भाई अलग अलग लोकेशन एक दूसरे का 180 में लोकेशन है ये और ये जो भी बॉन्ड एंगल होगा तो होगा क्लियर है तो एल्किन में मिलेगा वैसे ही रोटेशन कहाँ नहीं हो सकता बताओ कहाँ नहीं हो सकता वैसे ही रोटेशन क्या रिंग में रोटेशन हो सकता है क्या रिंग में रोटेशन हो सकता है क्या ये रिंग है रिंग को अगर मैं रोटेट करूं कार्बन कार्बन के बीच या कोई भी दो एटम के बीच तो रिंग टूट जाएगा कि नहीं टूटेगा बच्चा थ्री कार्बन का रिंग रोटेट करूं तो रिंग टूटेगा ना इसको पकड़ के यहां से ऐसा रोटेट करो तो रिंग नहीं टूटेगा बोलो हाँ सर अब नहीं समझ में आ रहा होगा तो क्या कर सकते हैं बेटा रोटेट करने नहीं आ रहा है ये रिंग है रिंग को पकड़ के रोटेट कर रहे तो कभी ना कभी तो टूट भी करेगा ना भाई तो रिंग में रोटेशन नहीं होता तो यहाँ पे भी जीआई हो सकता है तो एल्किन हो गया रिंग स्ट्रक्चर और कहाँ रोटेशन नहीं हो सकता जहां डबल बॉन्ड की बात कर रहे हैं देखो नाइट्रोजन नाइट्रोजन में भी इसमें भी दो अलग अलग नाइट्रोजन का वैलेंसी कितना है 3 तो क्या इसमें जीआई हो सकता है इसमें जी आई हो सकता है बच्चा हो सकता है कि नहीं मे बी हो सकता है क्यों क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर का ध्यान देखो तो एक साइड लोन पेयर रहता है कि नहीं सही रहता है इस तरह का वी शेप का स्ट्रक्चर होता है ना इसका दूसरा स्ट्रक्चर क्या होगा लोन पेयर अपोजिट साइड था भी लोन पेयर क्या होगा सेम साइड तो यहाँ पे भी जी आई हो सकता है सिस ट्रांस वाला लोन पेयर का रिसेप्टर में हो सकता है कि नहीं हो सकता बच्चा तो ये सिस्टम है जी आई के लिए ये सब क्या है सिस्टम है जी आई के लिए वैसे कार्बन के पास दो वैलेंसी है इसको बोलते हैं एजो AZO नाइट्रोजन के लिए एजो वर्ड होता है डाई एजो ग्रुप N2 को क्या बोलते हैं डाई एजो फिर यहाँ पे लोन पेयर है बच्चा यहाँ पे ये कौन सा कंपाउंड है बच्चा कल इसका नेम बताया था कार्बन नाइट्रोजन के बीच डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन इमीन याद आया
भूल जाते हो ना बहुत जल्दी, कौन सा कंपाउंड ये इमीन, इसमें भी जीआई हो सकता है, ठीक है। तो एल्किन में भी सिस ट्रांस, ठीक है, रिंग में भी सिस ट्रांस हो सकता, तो ये सब जीआई वाले कंपाउंड है। क्लियर है कि नहीं भी, क्लियर है बच्चा लोग, तो इस टाइप के ग्रुप हुए तो इसमें जीआई मिलेगा, किसी में सी स्ट्रांस तो किसी में सी एनटी, ये वर्ड यूज होता है। नोट किए सब कोई, नोट करो जल्दी यहां तक। नेक्स्ट कंडीशन फॉर जीआई किसमें, इन एल्किन। तो ये जो इसमें कुछ मैं फॉर्मूला बना रहा हूँ, कॉमन फॉर्मूला जो सभी टाइप के एल्किन एल्किन पे एप्लीकेबल होगा, और किसमें जीआई होगा कि नहीं होगा देखते हैं। तो एल्किन का सिस्टम देख लेते हैं यहाँ पे, तो सिस्टम मतलब एल्किन है तो कार्बन कार्बन ध्यान से सुनना, जो इसको समझ गया बाकी ये सब पूरा समझ में आ जाएगा। स्टार्टिंग का ही बस समझ लिया था, एक और बच जाए। सभी कार्बन के दो दो वैलेंसी ड्रॉ कर लेते हैं। ज्योमेट्रिकल अगर पॉसिबल है तो राइट का साइन, नहीं पॉसिबल तो क्रॉस साइन। सभी ग्रुप एक जैसे हैं, ई ई ए मतलब सभी एलिमेंट एक जैसे हैं। अब ई ई एक अलग, अब पॉसिबिलिटी ई ई दो इस टाइप का पॉसिबिलिटी, या फिर ए ए बी सी, या फिर ए ए बी बी, या फिर ए ए बी सी, या फिर पूरा अलग ए बी सी डी, कुछ इस टाइप का पॉसिबिलिटी, जो भी इसका और भी पॉसिबिलिटी एक दो बन सकते हैं, मैक्सिमम यही पॉसिबिलिटी बनेंगे। तो इसमें जी आई किसी में पॉसिबल है किसी में नहीं पॉसिबल है। पॉसिबल मतलब दो अलग अलग स्ट्रक्चर दिखना चाहिए, दो अलग अलग क्या मिलना चाहिए स्ट्रक्चर। तो मैं इनके रिलेटेड फॉर्मूले बना देता हूँ, शायद उस फॉर्मूले से ज्यादा जल्दी से कोरिलेट कर सको। टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, तो इसका एक रिलेटेड स्ट्रक्चर है सी डबल बॉन्ड ऑफ एच एच एच, या सी एस थ्री भी कर सकते हो, सबका मतलब वही है, ठीक है। तो मैं इसको बोल रहा हूँ, तुम लोगों को बोला बेटा आंख बंद कर लो, अब बोला सर इसको ऊपर कर देता हूँ और ऊपर को नीचे कर देता हूँ, क्या तुमको अलग दिख रहा है, ये दोनों एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं, ये दोनों फॉर्मूले एक दूसरे से अलग दिख रहे हैं क्या? मैं बोलूंगा नहीं बेटा अलग है, तो इसको उठा के मैंने यहाँ लिखा है और इसको उठा के ऊपर लिखा है, तुम बोलोगे क्या सर वही तो लिखे, मजाक कर रहे हो, ऐसे बोलोगे ना, किसी के मन में आ रहा होगा। मैं बोल रहा हूँ इसको उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, इसे उठा के मैंने यहाँ फेंक दिया, इसको उठा के मैंने यहाँ फेंक दिया, तो अलग है। तो तुम बोलोगे क्या सर कहाँ अलग है वही तो दिख रहा है। तो अगर जब तुमको अलग ना दिखे मतलब वहां पे जी आई पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है ना। दो अलग स्ट्रक्चर होना चाहिए ना भाई, डबल बॉन्ड है साथ में रोटेशन नहीं होता है डबल बॉन्ड में, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन दो अलग अलग कंडीशन दिखना चाहिए, दोनों सेम है तो जी आई पॉसिबल नहीं है। तो ऐसे ही क्या बी में पॉसिबल होगा, मतलब सेकेंड कंडीशन में पॉसिबल होगा क्या, अगर ये एच है ये एच है ये एच है सी एस थ्री, इसको मैं अगर ऐसा लिख दो एच 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 सी एस थ्री, क्या ये दोनों अलग है, दोनों अलग है क्या बेटा? यस नहीं है, नहीं है अलग, घुमाया गया है, ये पहले ऐसे था इसको मैंने पलट के ऐसे रख दिया, ठीक है ना, पहले ये ऐसे था या ऐसे है तो इसमें मैंने इसको उठा के ऐसे रख दिया, दोनों अलग कैसे हुआ, दोनों क्या है सेम है,
सेम है कि नहीं बच्चा लोग? कैसे? इस एच के बाजू में क्या है? एक के कर लेता, एक के आजू बाजू में क्या है बच्चा? एच, इसको नंबरिंग कर लेता हूं, ए बी सी। ए के पास कौन सा एच है? ए बी है और बी है। इस एच के पास यहाँ पे, चलो तुम बोल रहे अलग है ना सर, ये किसको ए, किसको ए बी सी, किसको मानोगे मुझे ये पहले बताओ। ए बी सी मान सकते हो, चलो ये मान लेते हैं बी सी, तीनों तो एक ही ना, कंफ्यूजन होगा भाई कौन से एच की बात कर रहे हैं। तो अलग बता सकते हो क्या? इधर भी वही ग्रुप है, इसके पास भी इधर वही ग्रुप, इसके पास भी वही ग्रुप, दोनों में सेम ग्रुप है कि नहीं है बच्चा? सी एस थ्री के रेस्ट्रक्ट में देखो, यहाँ पे सी एस थ्री के पास कौन सा एच, यहाँ पे भी एच है, इधर भी सी एस थ्री के पास क्या है एच और इधर एच, तो अलग कैसे हुआ? अलग हुआ क्या? दोनों स्ट्रक्चर अलग हुए क्या? नहीं, तो जी आई यहाँ पे भी नहीं होगा। थर्ड वाला कंडीशन बना है CH3, ये A हो गया, ये भी A हो गया, ये H और ये H, क्या ये स्ट्रक्चर अलग है? नो सर। क्या किया हूं आपकी बार में, ये ऐसे था, इसको ऐसे पलट दिया हूं, ठीक है ना? तो ये भी दोनों स्ट्रक्चर सेम है, दोनों स्ट्रक्चर क्या है? सेम है, क्योंकि केमिकल एनवायरनमेंट चेंज नहीं हुआ। इस CH3 के चारों ओर क्या है? हाइड्रोजन, यहाँ भी CH3 के पास हाइड्रोजन है, एक साइड क्या है CH3, एक की नहीं है बच्चा, तो केमिकल एनवायरनमेंट चेंज हुआ है। इस हाइड्रोजन के पास क्या है? CH3 हाइड्रोजन, इसके पास भी वही है, तो कहीं से चेंजेस पता चल रहा है क्या? नहीं। तो चलो अब सोचो फोर्थ में होगा कि नहीं होगा, बाकी बताना तो हमको है ही है, देखते हैं बिना कंपाउंड के स्ट्रक्चर समझ पाते कि नहीं। फोर्थ में पॉसिबल है कि नहीं है बच्चा? नहीं सर। ये सर नहीं होगा, ठीक है ना? कई लोगों को होगा तो बताते हैं अभी कैसे। चलो फोर्थ वाला कंडीशन इसी में कर लेते, ज्यादा काम नहीं है। ए इसको OH कर दो, इसको मैं क्या कर देता हूँ OH, OH को ऊपर ले गया, H को नीचे ले गया। कुछ नहीं, बस देखना है भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बस देखो और समझो। जिनको 3D इमेज क्लियर है देख सकते हैं तो बता सकते हम लोग। मुझे बताओ क्या चेंज है दोनों में? पलटा दिए सर। पलटा दिए, बस इसको ऐसा किया, इसको ऐसा कर दिया। OH के पास अब भी CH3 है, OH के पास हाइड्रोजन है, तो केमिकल एनवायरनमेंट चेंज हुआ क्या? OH के राइट लेफ्ट में कुछ चेंज आया क्या ग्रुप में? सब वही है ना, वही है, मतलब GI नहीं होगा। अब बताओ फिफ्थ वाले में होगा? होगा सर। होगा, अब होगा, अब पलटाए नहीं है, पलटते नहीं है, सीधा चेंज कर दिया। ये क्या था? ए ए बी बी, सी एस थ्री सी एस थ्री एच एच। अब बोलो पलटाया गया है क्या? कितना भी पलट लो ये बन सकता है क्या? नो सर। इसको तोड़ मोड़ के बनाया गया, इसको तोड़ के ऊपर ले गया, इसको तोड़ के नीचे लाए हैं, सी एस थ्री को तोड़े और यहाँ पे फिक्स कर दिया, फिर भी फिक्स चिपका दिया, हाइड्रोजन को तोड़े यहाँ पे फिक्स कर दिए, तब बना है। सीधा पलटने से बनाया गया ये दोनों स्ट्रक्चर? नहीं, बनता तो जीआई नहीं होता, इसमें पलटा नहीं किया, यहाँ पे तोड़ा मोड़ा गया, इसको इस कंपाउंड को तोड़ मोड़ के इसमें बनाया है, तो बन सकता है कि नहीं बन सकता बच्चा? इसमें बन सकता है, कौन सा बन सकता है फॉर्म? पहले कौन सा भाई? ए ए अपोजिट है, तो क्या बन सकता है? ए और ए सेम साइड, बी और बी सेम साइड, ये कौन सा फॉर्म है? ट्रांस। और ये कौन सा फॉर्म है? सीस। इसमें जी आई होगा फिफ्थ वाले में, सीस ट्रांस। क्या सेवन में जी आई होगा? सेवन होगा, सिक्स में जी आई होगा कि नहीं होगा बच्चा? होगा सर। होगा, कौन सा फॉर्म दिख रहा है ये?
ए और ए अपोजिट, मतलब ए ए अपोजिट है तो ट्रांस, तो कौन सा फॉर्म बनेगा इसका, ए ए ए ऊपर सी जैसा था वैसे ही बी नीचे, तो देखो सी एस थ्री यहाँ पे ले लेते हैं सी एल और यहाँ पे सी एल, तो दोनों अलग अलग है ना भाई, सिक्स वाले का ये एग्जाम्पल देख लो, सी एस थ्री मतलब ए ए बी सी या बी सी जो भी है, तो इसको इसमें पलट के चेंज किया जा सकता है क्या, ऐसे घुमा के या ऐसे घुमा के चेंज किया जा सकता है क्या बताओ तो, नहीं ना, कर सकते हैं क्या बताओ, सिक्स वाले को पलट के घुमा के ऐसा चेंज किया जा सकता है क्या? नो सर, जब घुमा के पलट के नहीं चेंज किया जा सकता, तोड़ के भले चेंज कर सकते हैं, सीएल को यहां से तोड़े यहां चिपका दिए और यहां से सीएसटी को तोड़े तो ऊपर चिपका दिए, तब वहां पे जीआई होगा क्या, सेवन वाले में जीआई होगा क्या, सेवन वाले कंडीशन में जी आई होगा, यहाँ पे सी ट्रांस नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा ई एंड जेड जी आई, अब कैसे होगा ई जेड डिस्कस करेंगे ठीक है ना, यहाँ पे सी ट्रांस नहीं बोल सकते क्योंकि सब ग्रुप अलग है, समझ में आया कब जी आई होगा कब नहीं होगा, तो ये कुछ एग्जाम्पल है जो सभी पे वर्क करेंगे ठीक है ना, ऑलमोस्ट कंपाउंड पे एल्किन पे, तो तुमको देखना इस टाइप का सिस्टम हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो जीआई नहीं होगा, फाइव सिक्स और सेवन टाइप का सिस्टम हो मतलब जीआई होगा, तो मैं एक क्वेश्चन करवाता हूं बच्चा ताकि और अच्छे से कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाए सर, यही है हाँ बेटा बोलो सर, फोर्थ कंपाउंड में जो बी के जो एडजेसेंट में जो ए है अगर बी और ए को रिप्लेस कर देंगे तो जीआई नहीं होगा बेटा, आई पे एक नेम चेंज जाएगा तब तो, अच्छा हाँ तब आई पे एक नेम चेंज जाएगा ना, सी एस थ्री CH3HCl, तुम इसको यहां उठा के लाओगे CH3CH3HCl, आई पे नेम चेंज आएगा कि नहीं, पहले प्रोप रहेगा अब क्या होगा ब्यूट, स्टीरियो में आई पे नेम चेंज नहीं होता ठीक है ना, तो स्टीरियो में बस इस कार्बन की वैलेंसी को ऊपर नीचे करोगे, ये नहीं कि इसका वैलेंसी बी इसको दे दोगे, क्लियर है, जिस कार्बन का जो वैलेंसी हाइड्रोजन इस कार्बन का तो इसी का, इसके राम लखन है तो राम लखन इसी के रहेंगे, पड़ोसी के नहीं चल जाएंगे ठीक है ना बच्चा, इस कार्बन के राम लखन के राम लखन होंगे, बस कोई राम ऊपर रहेगा कभी लखन नीचे रहेगा, क्लियर है, तो राम लखन को जिसका है उसी को रखना है भाई, किसी का राम लखन चेंज कोई नहीं करेगा, तो क्वेश्चन है इन विच कंपाउंड ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल, ब्यूट टू इन, ब्यूटीन का फॉर्मूला क्या बच्चा, ब्यूट वन इन, थ्री टू थ्री डाई मेथाइल ब्यूट टू इन, तो बताओ क्या है फॉर्मूला, ब्यूट टू इन का फॉर्मूला क्या होगा बच्चा, वन कार्बन टू कार्बन थ्री कार्बन फोर कार्बन, नंबरिंग वन टू थ्री फोर, डबल वन कहां पे, टू पे, ये हो गया, अब वैलेंसी कंप्लीट कर दी, इधर हाइड्रोजन और यहाँ पे सी एस थ्री, तो इससे दो फॉर्म बन सकता है कि नहीं, अलग अलग किस टाइप का ग्रुप है, इसके राम लखन कौन है, एक H है और एक CH3 है, इसका राम लखन कौन है बच्चा, CH3H, तो बताओ कौन सा केस को फॉलो कर रहा है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन किसको फॉलो कर रहा है,
फाइव को फॉलो कर रहा है बच्चा, ए बी ए बी, हाँ तो इसमें सी स्टांस होगा, मतलब जी आई इसमें पॉसिबल है, ठीक है ना। इस तरह से स्ट्रक्चर से क्वेश्चन ये कौन सा है, पहला वाला ट्रांस और उसके बाद वाला कौन सा है सी। ब्यूट वन इन का फॉर्मूला क्या है बताओ तुम, कितने कार्बन का चेन है, फोर डबल बॉन्ड यहाँ पे, वैलेंसी कंप्लीट करें, एच टू यहाँ पे एच, सी एच टू सी एच थ्री, तो बताओ इसमें बन सकता है क्या सी एच टू सी डबल बॉन्ड सी एच एच एच। इसके ये है राम और ये लखन, इसमें सिर्फ लखन लखन है, तो बताओ इस कंडीशन में जीआई बन सकता है क्या, बन सकता है जीआई, बोलो बेटा। तो जीआई कब बन सकता है, सिंपल सा अगर देखा जाए तो कंक्लूजन, कार्बन पे राम लखन होने चाहिए भाई, ये राम लखन, दोनों कार्बन के पास राम लखन हुए तो जीआई बनेगा, इस कार्बन के पास राम है, इस कार्बन के पास लखन है तो यहाँ पे जीआई बनेगा, सेम यहाँ पे भी राम है और यहाँ पे भी लखन है तो जीआई बनेगा, एक ही कार्बन पे दो राम दो लखन आ जाए तो जीआई नहीं बनेगा, ठीक है ना बच्चा लोग, या फिर राम लखन शत्रुघ्न ये सब मिल जाए, राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और क्या था भैया बताओ, भरत, ठीक है ना, तो चारों अलग हुए तो जीआई बनेगा, क्लियर है बच्चा लोग, तो यहाँ पे जीआई बन सकता है कि नहीं बन सकता बच्चा, एक ही कार्बन पे दो ग्रुप मतलब दोनों राम या दोनों लखन टाइप के हैं तो बनेगा क्या यहाँ पे, नहीं बनेगा। इसमें देखें क्या ब्यूट टू इन का फॉर्मूला है, सी थ्री सॉरी सी फोर कर लेता हूँ, सी थ्री सी टू सी वन, अपने मन से चार कार्बन गिन दिए भाई क्योंकि ब्यूट है, वन टू थ्री फोर भी कर दिए, कहाँ कहाँ पे क्या है, टू पे डबल बॉन्ड है, टू पे मिथाइल है, यहाँ पे भी मिथाइल है, क्या इसमें जी आई हो सकता है बच्चा लोग, ये सी एस थ्री ये सी एस थ्री, क्या इसमें जी आई हो सकता है, मिथाइल मतलब क्या पी एच थ्री, कैसे यस सर, दोनों तो सेम हुए ना भाई, ये कार्बन इस पे भी राम राम लखन लखन, तो हो सकता है क्या, पहला केस फॉलो कर रहा है तो जीआई हो सकता है क्या बच्चा, नो नहीं, तो समझ में आया, जियोमेट्रिकल आइसोमर्स एल्किन में कब मिलेगा, तो ये पॉसिबिलिटी जज करना, ये जो समझ में आ गया उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलो अब नोट डाउन करो बच्चा लोग जल्दी से, किसी को कोई डाउट है दुख दर्द है तो पूछ लो, आज बस इतने ही देखेंगे, ठीक है ना।